एंड आप देख सकते हैं मैंने अपना ये मेकअप किया, मैंने आई शेडो भी लगाया है सेम पैलेट से, ब्लश, हाइलाइटर, और मेरा फेस देखिए मैंने कंट्रोल भी किया है, कितना ज़्यादा स्लिक लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एक बेनिफिशियल चीज़ है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, माय गॉड सो अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है गाइस, उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, ओ माय गॉड। आप इसको यूज़ करके एक सॉफ्ट डे वाला लुक क्रिएट कर सकते हो, अच्छी पैलेट में आप फेयर स्किन टोन, डार्कर स्किन टोन, कूल टोन, वार्म टोन, हर एक टोन के लिए आप ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर और वो भी इतने सारे कलर वैरायटी के साथ पा सकते हैं। अगर आप भी जाते हैं ये फेस्टिवल वाला सीजन में, आप बहुत सारे मेकअप के लिए एक ही पैलेट खोज रहे हैं जिसमें आपको आई शेडो, ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर सब कुछ मिल जाए, वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। दिस इज द पैलेट गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस एंड पूरा देखिए वीडियो को, आपको पता चलेगा ये कितना ज़्यादा अच्छा पैलेट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर एक साथ मिलते हैं लेकिन उस वैरायटी नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा आपको मिल जाए जिसमें वैरायटी भी हो और वो भी तीनों के साथ, पैलेट खरीदने से आपके कितने सारे पैसे बचेंगे और आप एक ही पैलेट को कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। एक ही पैलेट आपको कैरी करना है और आप कहीं भी कैसे भी आप रहे, आप जस्ट अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। सो हुई ना एक अमेजिंग चीज़। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट गाइज, इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे वैरायटीज है, ओ माय गॉड, फेवरेट स्विस ब्यूटी पैलेट। सो लेट मी शो यू गाइस, माय गॉड गाइस, आप देख सकते हैं इसमें ब्लश का कलर लाइट पिंक, एक है थोड़ा सा उससे ज़्यादा पिंक और ये है थोड़ा सा डार्क पिंक, ये दोनों एक ही लग रहे हैं कैमरे पे लेकिन ये एक नहीं है गाइस। एंड दिस इज़ ब्लश हाइलाइटर, बिकॉज ये थोड़ा सा शाइनी चंकी वाला ब्लश है, एंड दिस इज़ अ अनादर हाइलाइटर, एंड दिस इज़ अ अनादर हाइलाइटर, एंड ये दो है कॉन्टोर के लिए, दोनों अलग है, ये थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डार्क है, दिख नहीं रहा है लेकिन है। एंड द थिंग इज़, आप इन सब कलर्स को आप यूज़ करके अपना आई मेकअप भी कर सकते हैं। सो एक ही पैलेट में आपके आई शेडो भी हो रहा है, सो ये कितना ज़्यादा अच्छा एक चीज़ है। जैसे कि अभी शादियों के सीजन स्टार्ट होने वाले हैं तो मुझे तो बैग पैक करके जाना ही है, तो मैं सोच रही थी कि कहाँ कहाँ मैं कैसे इतना सब कुछ भरूँ, मैं अपने मेकअप भरूँ, स्किन केयर भरूँ, क्योंकि आप तो मेकअप तो कर लेंगे, मेकअप के बाद जब आप स्किन केयर नहीं करेंगे तो आपकी स्किन एकदम डेड हो जाएगी, ख़राब। तो इसीलिए मैंने ढूंढ निकाला है ये वाला पैलेट, ये मैंने खुद के पैसों से खरीदा है गाइस, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, फर्स्ट तो मैं बता दूँ आपको। थिंग इज, इसके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे, आप किसी के टोन फेयर है उन लोगों के लिए ये दो शेड है, किसी के टोन थोड़ा डार्कर है, वार्मर है, तो उन लोगों के लिए ये दो ब्लश के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि कॉन्टोर में भी यहाँ पर दो वेराइटी है, किसी के बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है तो वो लाइट वाला यूज़ कर सकते हैं, किसी का थोड़ा सा डार्कर स्किन टोन है या फिर वार्म है तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए भी यहाँ पर चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा फेयर है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा वार्म है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, और ये भी हाइलाइटर प्लस ब्लश है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चंकी पार्टिकल्स है। एंड ये सब कुछ आप एज अ यू नो आई मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा यू नो स्मोकी आई के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत सारे, और ये ग्लिटर्स भी बहुत ज़्यादा आई मेकअप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोगों को ये सब कुछ यूज़ करके एक लुक क्रिएट करके आप लोगों से दिखाती हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पर जो लाइट वाला पिंक शेड है इसको यूज़ करूँगी एज अ ब्लश, इन दोनों को मिक्स करके, आप जस्ट इसकी पिगमेंटेशन देखिएगा गाइस, ओह माय गॉड, रियली गुड। अभी देख सकते हैं मेरी ब्लश यहाँ पे लग गई है, नोज पे भी मैं यूज करूंगी इसको, ये बहुत ही अच्छे से पिगमेंटेड है वाला, हल्का वाला जो कॉन्ट्रोल है उसको यूज करके। आई नो ये कॉन्ट्रोल वाला ब्रश नहीं है पर मुझे आता है, लुक एट माई फेस, कितना ज़्यादा स्लिक और बहुत ज़्यादा यू नो सुंदर लग रही है। और ये वाला देखिए ऐसे, इसके लिए ये लाइट वाला यूज़ करूँगी, ओ माय गॉड सो अमेजिंग। थोड़ा सा हल्का सा फ्लस्ट में ब्राउन लेके एक बेस क्रिएट करूँगी, मैं एक साइड कर रही हूँ जैसे कि आप लोगों को डिफरेंस पता चले, और मैं कैमरा में ही देख के डायरेक्ट कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा पिंक शेड में दूंगी, थोड़ा सा हल्का सा पिंक वाला लुक दूंगी बाकी पूरे हाईलाइट पे, आप देख पाएंगे थोड़ा सा ना। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स दिस टू हाइलाइटर टू क्रिएट अ ग्रेट
शाइनी लुक। ओ माय गॉड, कैन सी गाइस, सो फाइन। माय ब्लश, माय कंटूर, सब कुछ सुंदर गया है। मेरा ब्लश कितना प्यारा कलर का दिख रहा है, मेरे आई लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सॉफ्ट किया है मैंने, उतना ज़्यादा नहीं किया। अभी मेरे कॉन्ट्योर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हुआ है, और मेरे फेस की ये वाला शेप देखिए, ओ माय गॉड, दिस सो गुड। एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग द पैलेट विथ यू। आप लोग भी इसको खरीद सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में भी आता है। इसका प्राइस 499 का आता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसमें इतने सारे वेराइटीज़ हैं, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। अदरवाइज़ मैं इसी भी लिए इसको परचेज़ किया, क्योंकि सर मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव मेन मोमेंट पे आके मुझे कहते हैं प्लीज़ मेरा मेकअप कर दो। तो अभी तो मैं अपने शेड का तो सब पे यूज़ नहीं कर सकती ना, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। इसमें जैसे कि मैंने कूल टोन का, वार्म टोन का, डार्कर टोन का, फेयर टोन का, सब पैलेट से सब का मेकअप कर सकती हूँ। तो आपको ये वाला वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये रिकमेंडेशन भी पसंद आई होगी, क्योंकि ये शादी का सीज़न है, फेस्टिव सीजन है, अभी तो चलता ही रहेगा, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लुक्स करने पड़ेंगे, डे लुक, नाइट लुक, सबके लिए तो अलग अलग नहीं खरीद सकता, खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू हैव टू वैल्यू योर मनी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद है तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।